जाती कुछ ऐसा हो गया है ना, खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सबसे पहले अर्पिता जी, मुझे लगता है कि जब आपके शो पर खास करके हम आते हैं और आप क्योंकि फैक्ट्स और रिसर्च लेकर बहुत रिसर्च करके आप डिबेट करती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब नीतीश बाबू जी ने इसको पारित किया था कैबिनेट में, हमारे साथ वो कैबिनेट में पारित हुआ था, उनको याद होना चाहिए। फिर असेंबली में जब आया तब भी हमने समर्थन किया, हमने इसको पारित किया, पर छोड़ देते उस विषय को। मैं दूसरी चीज पूछता हूं, कर्नाटका में ऑलरेडी कास्ट सर्वे हो रखा है, रिपोर्ट तैयार है, आपने जो ऐतिहासिक गलती यूपीए के जमाने में की जिसमें कि चिदंबरम और अजय माकन ने उसका विरोध किया, मैं साफ साफ आपसे पूछ रहा हूं, आप बाकियों पर दबाव छोड़िए, अपने सहयोगी जो पीडीएम में यकीन करते हैं जिसके साथ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, उनको एक बार बोलिए कि कर्नाटका का रिपोर्ट जारी कीजिए। ऐसी क्या दिक्कत है कि आप कर्नाटका का क नहीं बोल पाते? चलिए कन्नौज का क नहीं बोल पाते क्योंकि नवाब यादव ने एक बच्ची का बलात्कार किया, समझ में आता है। क फॉर कोलकाता नहीं बोल पाते, समझ में आता है। क फॉर कर्नाटका भी नहीं निकलता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार थोड़ा सा यह भी बता दीजिए कि किसने आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध, बुद्धू को आरक्षण देने से बुद्धू आगे बढ़ जाएंगे, राजीव गांधी ने कहा। क्या मंडल का विरोध इंदिरा जी ने और राजीव जी ने किया या नहीं किया? आप मुझे बता दीजिए, क्या नेहरू जी ने 1961 में सभी चीफ मिनिस्टर्स को यह लिखा कि नहीं, कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यह सेकंड क्लास लोग पैदा करता है? आज भी मैं पूछ रहा हूं कि यदि आरक्षण के साथ, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आउट ऑफ सिलेबस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है मैं 370 लागू करूंगी, 370 लागू होना मतलब कि जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि, गुज्जर, बकरवाल समाज को एक को आरक्षण का अधिकार न मिलना जो मोदी जी ने उनको दिलवाया है 70 साल के बाद। आशुतोष जी बाकी सारी बातें गौन छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी इंडिया अलायंस की साथी बोलती है वी वांट 370 बैक, विच मींस नो रिजर्वेशन फॉर गुजर, बकरवाल, वाल्मीकि, आप साथ में है खिलाफ में? ठीक है, नहीं, जब यही होता है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जम्मू कश्मीर भाग जाते हैं, कर्नाटक भाग जाते हैं। देश में 10 साल से सरकार आपकी है, पिछड़ा आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि वाकई में पिछड़े नहीं है, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है जन्म से वो पिछड़े नहीं है, आपके प्रधानमंत्री है, तो आपको कराने में क्या परेशानी है भाई? आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? 10 साल से सत्ता में कौन बैठा हुआ है? असल में आप जान रहे हो आपकी हिंदुत्व की राजनीति यहाँ फेल हो जाती है। हमने दिलवाया जम्मू कश्मीर में। अरे भैया कश्मीर नहीं भागो, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की आप मेरे मित्र हैं। सरकार किसकी है? कश्मीर नहीं भागो। सरकार किसकी है? कश्मीर मेरे देश का मुकुट है, कश्मीर नहीं भागो का क्या मतलब है भाई? ये पहुंच गए पिताजी, कश्मीर का एक एक इंच हमारा अभिन्न अंग है। एजेंडा में, एजेंडे में मत आइए, किस प्रकार की हल्की टिप्पणी है कश्मीर को लेकर? एजेंडा में मत आइए और घुमाइए नहीं बातों को, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मिस इंडिया के बारे में पूछ रहा हूं मैं, मोदी को कराना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आप दोनों को मैं जरा रोक रही हूँ क्योंकि चर्चा में बार बार वही बात है, सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश है, सवाल के जब बदले सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर, मायावती पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने आपको बता दें जाति जनगणना को लेकर ही सवाल खड़े किए थे और उस पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को भी घेरा, कांग्रेस पार्टी को भी घेरा। अब मोहसिन रजा कह रहे हैं कि बीजेपी आगे भी मायावती का सम्मान करती रहेगी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मायावती का अपमान किया है। ये शहजाद, ये क्या डोरे डालने की कोशिश हो रही है क्या मायावती पर? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो चाहे हमारे कितने भी राजनीतिक डिफरेंसेस हो बहन मायावती जी के साथ, वो इस देश की बहुत ही वरिष्ठ नेता है, तो मैं उनके विषय में डोरे डालने जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी जो व्यक्तिगत लड़ाई रही है समाज और व्यवस्था के खिलाफ, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। दूसरी बात, मैं मुझे भी लगता है कि आपने उस इंटेंट से नहीं यूज किया होगा, तो मैं अपनी बात कहता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो मोहसिन रजा साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हॉस्टल कांड, आपको याद होगा कि एक महिला के साथ जो किया गया समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा, और वो भाजपा के विधायक थे जिन्होंने उनको वहां से बचाने का काम किया था, ये कांड तो आज भी सबको पता है और याद है ना अर्पिता जी। और मैं आज फिर से एक बार पूछता हूं आशुतोष जी, बाकी सब छोड़िए, आज आप मिस इंडिया की जाति क्या है वो देखने को तैयार है, पर कश्मीर में मेरे दलित भाइयों को अधिकार मिले तो उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं? चलिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर किसने रोक लगाने का काम किया था उत्तर प्रदेश में, जरा उसके बारे में बोलिए। ठीक है शहजाद, में एक और सवाल बार बार, क्योंकि घबराइए मत, पसीना ना छोड़िए, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी क्योंकि ये भी सवाल बार बार उठ रहे हैं ना, आप ये पास्ट में ले जा रहे हैं, आप राज्यों के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है, होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
आप आराम से समय ले लीजिए, इस पर जवाब मैं लूंगी। दो और मेहमान हैं, उनके पास मैं जा भी नहीं पाई हूँ, अनिल दुबे और सतीश प्रकाश जी के पास भी जाऊंगी। सतीश जी, मायावती अगर देखें तो एक तरीके से स्वर उनका बदला हुआ नजर आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है, समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है, वो बीजेपी को निशाने पर क्यों नहीं ले रही? सरकार तो उनकी है ना, जाति जनगणना तो उन्हें करानी है ना, क्यों नहीं पूछ रहे कि करवाइए, कब करवाएंगे? नहीं देखिए अर्पिता जी, आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया जाता है ना, आप सीधा सीधा कहिए कि बीजेपी से क्या बात हो रही है, ये यही आरोप है ना। देखिए भारत में सामाजिक न्याय एक कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इस देश में एक मुहिम है। जब जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब जब सत्ता में नहीं होगी तब तब इनको सामाजिक न्याय याद आता है। जब ये कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होते हैं तो ये सामाजिक न्याय से दूरी बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे यही कुछ दिन, अभी लोकसभा के चुनाव की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई, लोगों के चाल चरित्र चेहरे सब समझ में आ गए। ये देश के प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे कि इस देश में संविधान नहीं बदलने दूंगा, ना हम एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, उसमें जो आप चिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं सुनिए, इसकी मैं निंदा करती हूँ सर, चिता शब्द आपने सही उपयोग नहीं किया। सुनिए, हम उसको एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं सर, एक हमारे लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है सर, उस तरीके से। हाँ प्लीज शब्दों का थोड़ा सा चयन ठीक रखिए। हाँ सर जी जी जी, देखिए 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 चाल चरित्र चेहरा कैसे सामने आता। नरेंद्र मोदी जी के सॉलिसिटर जनरल बाकायदा दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण करा रहे थे, दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर जुड़वा रहे थे, और जब ये फैसला आया तो कांग्रेस जो ये कह रही थी कि बीजेपी संविधान बदलेगी और हम संविधान बदलने नहीं देंगे, हम आरक्षण बदलने नहीं देंगे, और यही कांग्रेस शासित दो राज्य कर्नाटक और तेलंगाना के बाकायदा मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि कोर्ट के इस फैसले को सबसे पहले हम लागू कराएंगे। तो इस देश का दलित डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, और जातीय जनगणना की बात आज 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 राहुल जी कह रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा, देखिए राज्य सर्वे करा सकते हैं, जातीय जनगणना अगर कराएगा तो केंद्र सरकार कराएगा, कहीं ना कहीं ये भटकाव है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है। और जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां एक कास्ट विशेष है, एक जाति विशेष के लोग हैं जो इस देश के सामाजिक रूप से हाशिए पे जो लोग हैं, उनके राइट्स और उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो हिस्सेदारी है उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर काबिज है। अगर इस देश में जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आएंगी। एक छोटी सी बात और कह दूं कि 2011 में जो जातीय जनगणना बाकायदा कांग्रेस ने कराई, उनके चिदम्बरम साहब ने मना किया, लेकिन जेपी साहब जब सरकार में नहीं थे तो वो ये कह रहे थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे इन जातीय जनगणना के आंकड़े को हम जारी करेंगे। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर वो ये कहती है कि जो कांग्रेस कहती है कि जातीय जनगणना के आंकड़े झूठे कैसे हो सकते हैं, जब सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय जनगणना और गणना एक ही एजेंसी कराती है, एक ही लोग कराते हैं, एक ही सिस्टम कराता है। हाँ, ये आपने बड़ा सवाल पूछ लिया सतीश जी, मैं जरा इसको जवाब ले लूं, फिर अनिल दुबे जी मैं माफी के साथ आऊंगी। इसके साथ वो यही कह रहे हैं ना, ऐसा कैसे हो जाता है जब ये कहा जाता है कि कुछ उसमें गड़बड़ हुआ है, आप ये कह रहे हैं सरकार का काम नहीं है, संस्थाएं जो कराती हैं, तो वो आपके टाइम पे सही कराएंगे, ये कैसे फिर माने हम? आपने मेरा पूरा उत्तर पहले भाग में शायद सुना ही नहीं। हमने तो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जैसे ही हम सरकार में आए तो, क्योंकि स्टेट्स के पास ये दायित्व होता है, हालांकि सेंसस तो सेंटर की तरफ से होता है पर स्टेट्स के पास भेजा जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए, हमने सारे स्टेट्स को दिया। मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल ने अभी तक रेक्टिफिकेशन करके इतने वर्षों में क्यों नहीं दिया? आप कर्नाटका सरकार की प्रतिनिधि बैठी है, तमिलनाडु सरकार के इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि बैठे हैं, केरल सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे पूछिए। मैं आपको डेट वाइज अगर आप मुझे बोलती तो मैं आपको लेटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बता देता, वो बना के भेज देता, भी जा रही हूं, मुझे दिखा दीजिए। दूसरी बात, आपको ये नहीं लगा चलो खुद से करा लेते हैं, आपने भी तो लंबा समय बिता लिया सरकार में, खुद से कैसे? ऐसा है, सुनिए सुनिए, एक एक्सरसाइज यूपीए के जमाने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके हो चुकी है।
अब वो एक्सरसाइज को फिर से कराना है तो रजिस्ट्रार जनरल जब वो तय करेगा करेगा, पर जब वो एक्सरसाइज हो चुकी थी हमारी तो पूरी निष्ठा थी कि उस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी ठीक करवा के उसको जारी करो, परंतु ये स्टेट्स ने साथ नहीं दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका देखिए नियत कैसे पता चलती है, कर्नाटका ने अपना सर्वे का भी रिजल्ट जारी नहीं किया, इसीलिए मैं आज कह रहा हूं बाकी सारे सवाल छोड़िए, एक बार पूछे कर्नाटका अपना सर्वे क्यों नहीं जारी करा रहा, एक बार पूछे हिमाचल में सर्वे क्यों नहीं हो पा रहा, एक बार आशुतोष जी से पूछे रिजर्वेशन प्रमोशन क्यों रोका, ये जवाब नहीं दे सकते। और एक बार पूछिए, देखिए एक चीज सतीश प्रकाश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पर क्रीमी लेयर को विषय में मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्रीमी लेयर SC ST में नहीं है, ना ऐसा जजमेंट आ सकता है, ना ऐसा जजमेंट दिया गया है, और हमारे 100 से अधिक MPs ने उसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और हमने स्पष्ट किया है कि हम भी इसको स्वीकारते नहीं है। हाँ, पर सवाल यह बनता है वर्गीकरण जो है SC ST का वो शुरुआत तमिलनाडु में हुई है, वर्गीकरण SC ST का तमिलनाडु से ही चाहे जो कि सुप्रीम कोर्ट आया, वैसे वो विषय नहीं है, विषय आज ये है कि कर्नाटका में सर्वे क्या है, कर्नाटका में सर्वे की बात बताइए, क्या आप जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अधिकारों के हक में है, सतीश प्रकाश जी बताइए, तो ये भी नहीं है कि कर्नाटक में सर्वे के अभी तक आंकड़े सामने क्यों नहीं आए, जम्मू कश्मीर में आखिरकार बीजेपी का स्टैंड क्या है, सवाल ये है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, सिर्फ ये कह देना कि हाँ हम कराएंगे, ये वही वाली बात हो गई, कराएंगे कब कराएंगे, स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है, ममता दीदी का स्टैंड पूछे, और कब होगा वो बताइए, ममता बनर्जी का स्टैंड पूछे इंडिया अलायंस से।